आजकल के ज़माने में लोगों को ये कि कैरेक्टर आर्टिस्ट है इसको स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है चार तो सीन है लेकिन ये न्यू जनरेशन वाले क्या है ना ये भागते हैं अपनी बैनिटी पे। बीच में तो इतना गंदा सिनेमा आ रहा था कि मतलब एक ही तरह का सब कुछ हो रहा था मतलब गाने भी एक ही तरह के गंदा म्यूज़िक उस वक्त होगा मूवी मेकिंग तो यही है ना कि अब आप शॉट लेते लेते मॉनिटर देख रहे हैं आपको पता है तो यू कान गो राउ लेकिन मैं हेड्स ऑफ टू दोज़ पीपल जिन्होंने, जिन्होंने मॉनिटर क्या इतना इतने इतने डिफ़िकल्ट शॉट लेते थे और वो इतने कॉन्फिडेंट होते थे कि जाके बॉम्बे में देखेंगे जब उसका स्क्रैच या जो भी तो अच्छा ही होगा उन मतलब कैसे सोचते थे अब जब मैं देखती हूँ हर एक्टर भाग के जाता है अपना ऑडिशन देखता है हर डायरेक्टर तो देखता ही है उसको लगता नहीं अब ये दूसरा वाला कर लेते नहीं ये कर ले क्योंकि इतना आसान हो गया है ना सब कुछ देखना बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं कि जिस तरह की फिल्में बननी शुरू हुई हैं जो कैरेक्टर बेस्ड है उसमें हमारी उम्र के सब लोग खप जाते हैं बहुत अच्छा हो गया उनके लिए और अब कैरेक्टर देख के मतलब अपना जो जो भी कैरेक्टर उसको देख के आर्टिस्ट चुना जाता है अब वो आर्टिस्ट अच्छा लगे नहीं लगे वो अलग बात है जो कैरेक्टर के हिसाब से है वो वही लेते हैं नाम के हिसाब से नहीं लेते कि इसका बहुत बड़ा नाम है इसको ले लो तो वो एक अच्छा दौर आया है जो वापस फिल्में हमारी जो हैं रूट्स की तरफ जा रही हैं बीच में तो इतना गंदा सिनेमा आ रहा था कि मतलब एक ही तरह का सब कुछ हो रहा था मतलब गाने भी एक ही तरह के गंदा म्यूज़िक वक्त होगा तो वो फेज निकल गए अब जब अब जो फिल्में बन रही हैं वो थोड़ी मीनिंगफुल बन रही है हाँ लेकिन जो वेब सीरीज़ वगैरह मैं बहुत कम देखती हूँ कि, कि एक कंटेंट लेके ना इन लोगों ने एकदम आ, माफिया ये मार धाड़ गंदी गंदी गालियाँ लगे हुए हैं उसी में एक हिट हो जाता है तो सब उसी में लगे जाते तो मैं नहीं चाहती कि मैं हर ऐसी अच्छी फिल्म या फालतू तो फिल्म में मैं दिखूँ तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि या कई लोग बोलते हैं कि आप आपका क्या फ़र्क पड़ता है अब तो मुझे मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं भले दो सीन हो फिल्म में लेकिन एकदम दमदार होने चाहिए उनके सिग्निफिकेंस मैं वो नहीं कर सकती कि हाँ माँ बन के खड़ी हो गई उधर भाभी बन के खड़ी हो गई तो ये चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ उन सबको जो आते हैं और दूसरी बात आजकल के ज़माने में लोगों को ये कि कैरेक्टर आर्टिस्ट है इसको स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है चार तो सीन है क्या स्क्रिप्ट है नहीं ज़रूरत होती है क्यों नहीं ज़रूरत होती क्यों है ना आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है तो कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगी तो उस वजह से भी मैंने कुछ कुछ काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे सही नहीं लगता जो तो उसके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ मैं ऐसा रोल करना चाहती जिसमें डायरेक्टर को मेरी ज़रूरत हो कि नहीं साधना मिल जाए या साधना जैसी कोई मिल जाए वो भी ठीक है लेकिन सिर्फ कास्ट ये है मैं किसी की मदर बन रही हूँ मैं ऋतिक की माँ बन रही हूँ ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है ना क्राइटेरिया मैं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ मुझे ऐसे क्यों देखा जा रहा है कि अरे उनकी अच्छा आप पता है आप फलाने की यामी गौतम की माँ बन रही हैं तो ये कोई मेरे लिए कोई हाई नहीं है कि मैं मतलब रिस्पेक्ट टू एवरी मैं किसी भी फिल्म को करूँगी तो वो अपनी वजह से करूँगी ना मुझे अच्छा लगे लगना चाहिए मुझे दिल को छूना चाहिए या ऐसे ही मस्ती में कर लिया वो भी मेरी मर्जी है मान लो मैंने बहुत सीरियस चीज़ें नहीं देख के सोचती हूँ ये फिल्म ऐसे ही कर लेती हूँ क्या सोचना है इतना तो भी ठीक है लेकिन वो सोच मेरी होनी चाहिए हमारे जनरेशन वाले तो अभी भी वही हैं वैसे ही मिलते हैं लेकिन ये न्यू जनरेशन वाले क्या है ना ये भागते हैं अपनी वैनिटी पे एक शॉट ख़त्म नहीं होता तो चले जाते हैं मुझे जबकि लगता है कि हमारे टाइम में ये था हम लोग बैठे रहते थे सेट पे दूसरे का भी देख रहे होते थे कि इनका क्या टेक है और इसके बाद हमारा आने वाला है तो ये हम कर सकते हैं अच्छा अच्छा आजकल तो बस मतलब वो ह्यूमन टच बिल्कुल मिसिंग है तो ठीक है हमने भी अडॉप्ट कर लिया अपना काम किया अगर सीधा घर आए वही सेट्स पे होता कौन है कोई नहीं होता है <laughs> दूसरे सेट पे चले जाते हैं उसमें फिर कोई होता ही नहीं आर्टिस्ट किस से बात करेंगे आप आप कोई लाइफ से बात नहीं करेंगे बेचारे उनको तो टाइम ही नहीं है तो वो लेकिन ठीक है जब वो ठीक है अब जैसे अनुराग कश्यप की के सेट में ये सब नहीं था वहाँ वही था एटमासफियर सब हँसते थे बोलते थे बैठते थे खाते थे वो कोई स्टार वाली कोई चीज़ नहीं थी कि बट और जैसे शिफाली का उसकी वजह से मैंने कहा था कि हाँ अच्छा तरीका हो गया काम करने का क्योंकि इसमें भी कोई हीरो हीरोइन ये नहीं कि बैठ गए हों कहीं जाके। तो हम हमारे सबके लिए वैन्स थी बट हम लोग प्रिफर करते थे साथ में बैठना चाहे एक ही वैन में बैठे बीच में उससे क्या होता है जो एक बॉन्ड होता है ना वो ईज आपको स्क्रीन पे फिर दिखती है